गाइस पुलिस वाले भगा रहे हैं बिल्कुल, मतलब दूर दूर तक वो लगा रहे हैं अपनी बाहर गेट जो भी होती है, ब्लैक सेल वगैरह की पट्टी आप देख सकते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग, आई हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज हमारे बुलंदशहर में एक ऐसा विस्फोट, एक ऐसा धमाका हुआ है जिसे किसी ने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। तो इसी के साथ साथ मैं वहीं से ही आ रहा हूँ अभी, और मैंने वहीं से मतलब व्लॉगिंग वहीं से चालू कर दी, सारी वीडियो सब कुछ बनाया एकदम, और बहुत तगड़ा विस्फोट हुआ है आज बुलंदशहर के अंदर। तो इसी के साथ साथ आपने जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और हर किसी को ये वीडियो शेयर करो। तो इसी के साथ साथ आप बने रहिए व्लॉग में मेरे भाई। तो भैया अभी अभी हम एकदम शांतिपूर्वक बैठे थे, तुषार वीडियो दिखा रहा था, तो हम दोनों मिलकर मस्त एकदम वीडियो देख रहे थे, ज़्यादा हमने कुछ मतलब अशांति से थे। अभी एक ऐसी आवाज आई मतलब बम फटने की, तो अभी जा रहे हैं बम देख रहे थे सर, और मजे लेंगे काफी, मतलब मजे लेंगे। वैसे कुछ हुआ बहुत तक हमारा घर तक का हिल गया, तो सही देखने जा रहे और आपको भी देखेंगे, तब तक बने रहिए व्लॉग में मेरे भाई। पता ना जी कुछ चीज फटी है खतरनाक, एकदम भड़ाकों से बोलो जी। ये ट्रांसफार्म तो ना जी, कोई फैक्ट्री में विस्फोट रह गई थी। तो गाइस बहुत तगड़ा धमाका हुआ जिसे बोलते हो, और पब्लिक इतनी ज्यादा है ना, आप देख सकते हो पब्लिक, देखो यार पब्लिक कितनी, मतलब पल्ली तरफ एक लेंटर गिर गया और यहाँ पर तगड़ा धमाका, गाड़ी तक की फट गई। तो दिखाता हूँ मैं आपको, और भाई बहुत पब्लिक है बहुत। अगर इनसे कहो ना सत्संग हो रहा कहीं पे, सत्संग में चलो तो इतनी सत्संग में ना जाएगी, और कोई कांड हुआ होगा उसमें चल देगी। तो मैं दिखाता हूँ आपको, चलो इससे आगे चलते हैं। तो गाइस नाला पार करके निकले, यहाँ पे एक नाला दलदल सा नीचे, मतलब अगर फंस गए ना तो भाई नीचे चले गए, मतलब देखो बस हुआ रहा, ये रहा अपना, अगर नीचे एक बार फंस गए ना तो फंस ही गए, निकल ना पाएंगे, ना कोई बचा पाएगा। तो मतलब रिस्क पे आए हो, देखो नदी कैसा लग रहा है बाजू आने में, हवा ले गई पूरी भैया, बहुत दिमाग खराब है। देखो भीड़ कितनी हो, आगे भीड़ बहुत, मतलब पुलिस वाले आ चुके हैं, एकदम जाम कर दिया, और दो आदमी मर गए, आदमी मर गए बहुत, यहाँ काम चल रहा था और बहुत सारे आदमी मर गए भाई, क्या ही बताऊं, बहुत तगड़ा ब्लास्ट हुआ यहाँ पे, मतलब असला लेके आए थे किसी काम के लिए और वो एकदम फट गया, किसी का घोटू पड़ा यहाँ पे, घोटू भी दिखाया था, लेंटर बताऊं लेंटर वेंटर सब उड़ गए, इतनी पुलिस है, इतनी पुलिस है, फायर ब्रिगेड भाई सब आ चुके हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको भी, आगे चलते हैं, और भाई क्या ही हुआ है, मतलब आज देखो भीड़, देखो भीड़ एक बार, देखिए भीड़ कितनी है। तो आगे भी दिखाता हूँ, इस साथ बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइस पुलिस वाले भगा रहे हैं बिल्कुल, मतलब दूर दूर तक वो लगा रहे हैं अपनी बाहर गेट जो भी होती है, ब्लैक सेल वगैरह की पट्टी आप देख सकते हैं। और गाइस बम फटा वहाँ, मतलब मकान ही रहा, ये मकान ही उड़ गया भाई साहब, क्या ही बोले, गड्ढा होगा अंदर बिल्कुल जिसे बोलते हैं भैया, क्या ही हुआ बताओ, ये खड़े पुलिस वाले गाइस बहुत जिसे बोलते हैं ना भाई, किसी का दिन खराब हो गया आज बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं गलती हो गई होगी, जो भी हुआ हो गलती गलत फहमी के साथ ही हुआ, जो भी हुआ तो इतना बड़ा हादसा होगा, भीड़ इतनी सारी, इतनी मतलब काबू भी नहीं कर पा रही पुलिस, इतनी भीड़ है, देखो भीड़, देखो भीड़ कितनी है भाई, तो ये पुलिस वाले भगा रहे हैं, तो चलो थोड़ी पीछे हो जाते हैं, इसी के साथ साथ आप बने रहिए ब्लॉग में मेरे भाई। भरे ना बारूद, वो बारूद सा लग रहा है मुझे, अभी तो हमारे सिलेंडर सामने ये पड़े, अभी तो सिलेंडर गत्ते पे बारूद सा लग रहा है।
तो फाइनली गाइस इसी के साथ साथ हम अब आ चुके हैं वहाँ से। तो गाइस वहाँ पुलिस भगा रही है बहुत तगड़ी से, मतलब लोग वहाँ के सिर तक के नहीं है यार, इतने जने मरे। कुछ घर में थे वो भी वहीं ख़त्म हो गए, और एक बच्चा छोटा था उसका तो सिर भी ना दिख रहा, मतलब शरीर ऐसा किसी की घोंट पड़ा उड़ा हुआ किसी का कुछ, तो मतलब ऐसा ही है सब यार, बहुत वो हुआ आज का दिन पता ना कैसा गया लोगों के लिए। लैंडर तक के उड़ गया हवा में, जितने भी लोग थे घर में बैठे थे वो भी ख़त्म हो गए। वहाँ बारूद का कुछ काम हो रहा था, जो भी BDP का जो भी कुछ गलती हुई है उनसे, तो बस वहीं फट गया। इस पर घर चल रहे, मम्मी कॉल आई कि चुपचाप घर आ जा, तो घर जा रहे हैं अब दोबारा से भैया अपने, और यहीं से पार होकर निकलना पड़ेगा, ये सब खड़े हैं। तो इसी के साथ साथ बने रहिए आप ब्लॉग में, मैं चलता हूँ घर की, मम्मी कर रही है कॉल, बहुत गुस्सा कर रही है, तो अब बने रहिए ब्लॉग में मेरे भाई। तो गाइस जाने में तो मतलब जब आ रहे थे उधर जा रहे तो काफ़ी मतलब एक्साइटेड थे भाई, अब घर जाने में डर लग रहा है क्योंकि ऊंची नीची हो रही है, और कईयों के पैर फंस गए हैं भाई। हाँ गाइस कईयों के पैर फंस गए, मतलब जाने में तो बहुत एक्साइटमेंट था, गए हम नदी है ये देखो पीछे से हो रही देखिए पानी, अगर यहाँ से निकलना है ना मौत का कुआं, अगर पैर फंस गया तो तुम्हारा निकलेगा ना। तो इसी के साथ साथ अब बने रही ब्लॉग में। तो भैया कैसे, वैसे दिल पर पत्थर रख के यार मैं निकल चुका हूँ, सब निकल चुके हैं, मतलब भाई बहुत दिमाग खराब है, डर लग रहा है कहीं निकलने यहाँ पैर नहीं चकूँ, वो देखो सांस तेज चल रही है भाई, बहुत डर लग रहा, मतलब जाने में एक्साइटमेंट था बहुत ज़्यादा, और भाई अगर नीचे निकल जाए मेरे पैर वहीं रह जाते तो बताने भी ना देते, हराम साले डुबा देते मुझे कि मर जा। तो इसी के साथ साथ बने रही ब्लॉग में, अभी पब्लिक जाने का नाम नहीं ले रही कि चली जाऊँ, अगर देखो अभी देख रही पार, यानी इन पर स्कोप हो लेंस हो, लेंस से पार देख लेगी उस तरफ को, कहते भागने देखो। तो भाई इसी के साथ चलते हैं अपने, और अभी भी बहुत चीज़ें जो पुलिस वाले इकट्ठे कर रहे हैं, किसी का सर किसी की हड्डी किसी के कुछ कुछ मतलब हाथ वाथ सब इकट्ठे कर रहे हैं, अभी बहुत पड़े हैं दूर दूर तक। तो अपने घर चलते हैं इसी के साथ, तो आप बने रहिए ब्लॉग में मेरे भाई। तो भैया इसे बोलते हैं यहाँ पर लेंटर भी उड़ के गिर चुका है गाइस, अब मैं लेंटर दिखा दूँ, मतलब सरिए सरिए बसे, अगर कोई उठा के ले गया तो रात का पकुए का जुगाड़ हो जाएगा इसका, देखो लेंटर, ये लेंटर कम और पटिया ज्यादा लग रही है मुझे। तो ऐसे खड़े हैं मैं, तुम्हें शर्म ना आती है ऐसे खड़े हो तुम भाई, हम देखने के लिए आए थे, देख ही रहे, इतनी भीड़ आ चुकी है और अभी तक जा नहीं रहे लोग बाग, मतलब देख के जाएंगे रात तक का, मतलब किसी को रोटी वोटी कुछ बनानी ना, और ना किसी को जॉब पे जाना, अगर कहीं सही बता रहा हूँ कहीं सत्संग वत्संग का होगा होता ना, कहीं कोई ना जाता भाई, इतने समाज से देखने लोग बाग आए हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, बहुत भीड़ है, जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, एकदम मौज जिसे बोलते हैं, देखियो कितनी पुलिस है। तो इसी के साथ साथ आप बने रहिए ब्लॉग में मेरे भाई, और सब कुछ दिखा दिया मैंने आपको। तो गाइस पब्लिक को अब समय मिला, अब जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि भैया मेरी दाल रखी हुई है चूल्हे पे, मेरी रोटी जल गई, मेरा दलिया जल गया, अब जा रही है पब्लिक घर अपने अपने, नहीं तो वहीं खड़ी है, मतलब इतना दिमाग खराब है, काम काज देखो भाई, किसी का कुछ खत्म हो गया तो छोड़ो, मतलब दांत फाड़ पड़ गए, ए बीवी वहां बम फट गया, ए बीवी वो मर गया भाई, ये बताने की बात है, किसी के घर का चिराग चला गया, किसी के घर का चिराग बुझ गया, ये बताने की बात है क्या, अगर अपना जाता ना कोई जब पता पड़ती, सही बताऊं हम तो मजे ले ही ले मैं, और आ गए ना, खैर जो भी हुआ सही ना हुआ भाई, गलती एक की और गए सब। तो भाई घर चलते हैं अब, मम्मी फिर कॉल करने लगी, तो ये शायद बने रही आप ब्लॉग में मेरे भाई। तो फाइनली गाइस सब कुछ देख दाख के भैया अपने घर की तरफ बढ़ के आ गए, और काफ़ी दिल दहला देने वाली खबर, खबर तो नहीं थी पर खबर ही मानो यार, हर न्यूज़ पूरा बुलंदशहर हिल चुका है इस खबर के चक्कर में, देवी पूरा था ऐसा हिला, आज ऐसा कोई बहुत ही खतरनाक ही, बस पूरा देवी पूरा हल्का भैया इस चीज़ के चक्कर में, मतलब सब लोग बाग बाहर निकल के आ रहे हैं, सब कोई मतलब घर पर बैठ ही नहीं रहा, और इतनी भीड़ लगी हुई थी आपने देखा, इतनी भीड़ लग रही थी। तो इसी के साथ साथ मैं इस ब्लॉग का यहीं एंड करता हूँ, आई होप आपको काफ़ी पसंद आई होगी, तो पसंद है तो लाइक करना, प्यार से कमेंट कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर देना। तो इसी के साथ साथ मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तो राम राम सभी को मेरे भाई।